हेलो एंड वेलकम टू अपस्केल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है यूपीपीसीएस एग्ज़ाम अक्टूबर में है और उसी सिलसिले में हमने शुरू की है अपना प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट कह लीजिए। और इसमें हम लेकर के आते हैं 25 से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और अलग अलग टॉपिक से लेकर के आते हैं। वो टॉपिक जो हैं यूपीपीसीएस में पूछे जाने वाले, जो भी अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे हिस्ट्री है आपका, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। न केवल सिर्फ आंसर बताए जाते हैं बल्कि उनको एक्सप्लेन भी किया जाता है। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये उसी सिलसिले का पाँचवा सेट है, दैट मीन्स इसके पहले चार सेट और यूट्यूब पर डाले जा चुके हैं, उन पर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी रीज़न से आप प्रिपरेशन नहीं सही से कर पाए हैं या करी है और आपको पता नहीं है कि कितनी प्रिपरेशन हुई है, कैसे क्या है, तो उसको चेक करने के लिए और अपना नॉलेज और एनहांस करने के लिए, टॉपिक्स पर डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ज़रा देख लीजिएगा। इक्तादारी सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया, दूसरा टंका और जीतल नाम के क्वाइंस इन्होंने स्टार्ट किए, तीसरा इन्होंने चहलगानी सिस्टम को स्टार्ट किया। जरा तीनों सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो, इक्ता का मतलब होता है जैसे इस समय प्रोविंस होती है ना, जिसको हम प्रोविंस कहते हैं, या अभी अभी तो राज्य आ जाता है, तो प्रोविंस को इस समय ये इक्ता कहते थे और इक्तादारी सिस्टम इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। दूसरा टंका तथा जीतल नामक सिक्कों को स्टार्ट किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, टंका और जीतल नाम के दो कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे, जिसमें टंका जो था ये सिल्वर कॉइन था और जीतल जो था ये कॉपर कॉइन था। यानी कि टंका बना था चांदी का और जीतल सिक्का जो था वो तांबे का बना हुआ था। चहलगानी, ठीक है, चहलगानी व्यवस्था क्या होती है, इसमें 40 लोग होते हैं, 40 नोबल्स होते हैं। नोबल्स मतलब इनका जो कोर्ट था, इनका जो दरबार था, उसमें 40 नोबल लोगों को ये रखते थे सलाह मशवरा करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। देखिए, ये एक तरह के नोट्स ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। क्वेश्चन में जनरली एक स्टेटमेंट आता है, इसमें तीन तीन चार चार स्टेटमेंट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएँ और समझ में भी आ जाएँ और एक ही जगह पर मिल जाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन से वाक्य सही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, मिडिवल हिस्ट्री अगर है, स्पेशली अगर सल्टनेट पीरियड पर क्वेश्चन आएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला इसमें स्टेटमेंट दिया कि स्लेव डायनेस्टी को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, गुलाम वंश की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जजिया लगाया इन्होंने नॉन मुस्लिम्स पर, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, जो मुस्लिम्स थे वो ज़कात पे करते थे, ज़कात होता था जो कि उनकी इनकम का 40%, और जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पर जजिया इन्होंने ही लगाया। फिर कुवतुल इस्लाम मस्जिद बनाई और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई, जी हाँ ये बात भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब देखिए जरा, कुवतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर बनाई, कुवतुल इस्लाम मस्जिद इन्होंने बनाई दिल्ली में, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनाया अजमेर में, इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ये मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर बने, तो देखिए एक सवाल में चार चार पांच पांच सवाल हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो खिलजी आ गए, पहले सल्टनेट चल रहा था तो उसमें स्लेव डायनेस्टी, अब ये खिलजी डायनेस्टी आ गई, तो खिलजी में क्या, किसके बारे में पूछ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इन्होंने अपने चाचा के का मर्डर कर दिया था और उसके बाद में गद्दी हासिल की थी। इन्होंने क्या स्टार्ट किया, नकद कैश सैलरी और स्थाई सेना, बिल्कुल सही बात है, पहले परमानेंट आर्मीज नहीं होती थी, लोग अपना गांव में तैयारी करते रहते थे, वहीं से सैनिक होते थे, जब लड़ाई हो की बारी आती थी तब वहां से लोग बुला लिए जाते थे, लेकिन परमानेंट आर्मीज नहीं थी तो परमानेंट सैलरी भी नहीं थी, और कैश में सैलरी पहले नहीं दी जाती थी, अनाज वगैरह दे देते थे। इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप नकद कैश वेतन लीजिए और परमानेंट सैलरी रखिए। इनके समय में टैक्स इम्पोजिशन बहुत ज़्यादा हुआ था और लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन फिर भी इनकी आर्मी के लिए कभी राशन कम नहीं पड़ता था। दूसरा देखिए,
दाग और चेहरा व्यवस्था शुरुआत की। अब हॉर्स ब्रांडिंग दाग क्या होती है, देखो दाग में क्या होता था, घोड़े के ऊपर एक मोहर लगाई जाती थी, दाग दिया जाता था, जिससे पता चलता था कि ये जो घोड़े हैं ये उनके सल्तनत के हैं। और चेहरा व्यवस्था क्या थी, जितने भी सैनिक थे उनका जो भी चेहरा मोहरा होता था उसका डिस्क्रिप्शन एक जगह लिख लिया जाता था, उनका डिस्क्रिप्शन एक जगह पर लिख लिया जाता था। इससे पहचान होती थी कि कौन सा सैनिक उनकी सल्तनत का है और कौन सा सैनिक उनकी सल्तनत का नहीं है। फिर देखो अमीर खुसरो इनके समकालीन थे। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने 7 सुल्तान देखे, 7 सुल्तान देखे, और ये काफ़ी समय तक रहे अमीर खुसरो। और ये एक पोएट थे, इनको तोताई हिंद या पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और कितनी इजीली आप एक्सप्लेन करता चलूंगा कितनी इजीली आपको याद हो जाएंगे। यही वीडियो एक दो बार और देख लोगे बिल्कुल रट जाएगा सारा। कॉपी पेन ले लो, नोट्स बनाते चलो, कितनी सिंपली समझाता चल रहा हूँ। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 डी क्वेश्चन, डी ऑप्शन। अगला देखिए, अब बलबन की बात कर लेते हैं भाई, बलबन भी आ गए हैं। बलबन कौन थे, बलबन भी इल्तुतमिश के एक दास ही थे, ठीक है। इल्तुतमिश का जो पोते साहब थे यानी कि उनके ग्रैंडसन थे, तो बलबन जो थे, बलबन ने अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर दी थी ताकि इनको गद्दी मिल जाए, और बाद में खैर इनको गद्दी मिल भी गई थी। तो ये इल्तुतमिश के दास थे, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने सिजदा और पैबोस सिस्टम लागू किया। देखो सिजदा और पैबोस क्या होता है, सिजदा में ये है कि जब भी आप सुल्तान के सामने जाएंगे तो घुटने टेक करके ज़मीन में सर लगाएंगे उनकी रिस्पेक्ट में। ये एक पर्शियन कल्चर है ना, ये सब पर्शियन ही थे, तो ये पर्शियन कल्चर का एक सिस्टम है। फिर पैबोस का मतलब ये होता है कि आप जाएंगे और सुल्तान के पैरों को चूमेंगे उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको सुप्रीम समझने के लिए। तो ये सिजदा और पैबोस इन्होंने स्टार्ट किया। फिर देखो नवरोज़ एक सिस्टम होता है, एक तरह से न्यू ईयर कह लीजिए आप, तो पर्शियन न्यू ईयर कह लीजिए, पर्शिया इस समय ईरान को कहा जाता है, तो पर्शियन न्यू ईयर होता है क्या, नवरोज़, ठीक है। फिर अमीर खुसरो और अमीर हसन इनके भी समकालीन कवि थे, बिल्कुल सही बात है, अमीर खुसरो इनके टाइम में भी थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन भाई, कौन कौन से सुमेलित हैं, देख लो इसमें आपको सिटीज दी हुई हैं और उनको इस्टैब्लिश किसने किया, ये सब बातें आगे उस लीडर का या रूलर का नाम दिया हुआ है। तो देखो भाई किसने रूल किया, दिल्ली को अनंगपाल ने इस्टैब्लिश किया, बिल्कुल सही है। अनंगपाल कौन थे, ये तोमर वंश के थे, तोमर डायनेस्टी के थे अनंगपाल। तुगलकाबाद को गियासुद्दीन ने किया, बिल्कुल सही बात है, गियासुद्दीन तुगलक, बिल्कुल सही है, दिल्ली अनंगपाल। फिर तीसरा देखिए, आगरा को कहा गया अकबर ने लोकेट किया या इस्टैब्लिश किया, जी नहीं, आगरा को अकबर ने इस्टैब्लिश नहीं किया था, आगरा को इस्टैब्लिश किया था सिकंदर लोधी ने, अच्छे से देख लो, सिकंदर लोधी ने किया था, कब किया था, 1504 में, 1504 ईस्वी में, 1504 एडी में सिकंदर लोधी ने आगरा को इस्टैब्लिश किया। हिसार फिरोज तुगलक ने किया था, बिल्कुल सही है, फिरोज तुगलक जो है तुगलक डायनेस्टी में आए थे, जब ये दोनों तुगलक निपट गए थे उसके बाद में इन्होंने जौनपुर सिटी भी बनाई, फतेहाबाद भी इस्टैब्लिश किया, फिरोजपुर भी इस्टैब्लिश किया, फिरोजाबाद भी इस्टैब्लिश किया, और हिसार भी इन्होंने इस्टैब्लिश किया, कई शहर इन्होंने बनाए। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लगभग 300 शहर बनाए, और नहरें इन्होंने काफ़ी नहरें भी बनवाई थी, लगभग 5 नहरें भी इन्होंने बनवाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित रामसर आर्द्रभूमि, देखिए आप एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं, तो रामसर आर्द्रभूमि बता चुका हूं क्या है, 1981 में रामसर नाम की एक सिटी है, कहां पर सिटी है ये, रामसर सिटी कहां पर है, ईरान में, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ या सम्मेलन हुआ जहां पर कहा गया कि भाई जितनी भी आर्द्रभूमि है जैसे दलदल वगैरह है, झीलें वगैरह है, इनको बचाया जाए, क्योंकि आर्द्रभूमि जो वेटलैंड्स होते हैं इनके आसपास बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना है ना, वन्य जीव बहुत सारे इनके आसपास फलते फूलते हैं, खासकर पक्षी, तो उनको नेस्टिंग के लिए ग्राउंड मिल जाता है, तो उनको बचाने के लिए कन्वेंशन हुआ। और उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कौन कौन से रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, जरा देख लीजिए, क्वेश्चन आता है कि इंडिया में कितनी रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, तो टोटल 46 वेटलैंड साइट्स हैं इंडिया में। अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं भाई, थोल झील गुजरात में, ये लेटेस्ट बनी है 2021 में बनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोल झील गुजरात, गुजरात में एक और है,
देख लीजिएगा कौन सा है, सुर सरोवर आगरा, बिल्कुल सही, यूपी में है। रेणुका पंजाब, रेणुका पंजाब की सबसे बड़ी झील है। फिर वेम्बनाड, वेम्बनाड तमिलनाडु में है, वेम्बनाड तमिलनाडु में, जी नहीं, वेम्बनाड इज इन केरला, वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है। आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है, भाई सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हमको डायरेक्टली मिल जाते हैं, डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूल कण वगैरह हो गए। लेकिन जो रिएक्शन करने के बाद में बनते हैं या कई प्राथमिक प्रदूषकों से मिल करके, प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिल करके बनते हैं, या उनके रिएक्शन से मिल बनते हैं, चाहे वो सनलाइट के साथ रिएक्शन करें या किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करें, तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जिसमें ओजोन, देखिए ओजोन क्या है, ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। फिर पार्टिकुलेट मैटर, जो हवा में तैरते हुए पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, एरोसॉल वगैरह होते हैं, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। और एसिड रेन वगैरह देखिए, ये भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऊपर जाती है, ठीक है, तो क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, या नाइट्रस ऑक्साइड जब ऊपर जाती है तो HNO3 या नाइट्रिक ऑक्सीड एसिड बनाती है, H2SO4, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना इसको, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सही कथन चिन्हित कीजिए भाई। वैश्विक वायु ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। देखो एनर्जी पर क्वेश्चन पूछा गया, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत क्वेश्चन इस पर ज़रूर आते हैं, खासकर UPSC में तो पूछे ही जाएंगे, PCS में भी बहुत चांसेस रहते हैं। वैश्विक वायु ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, बिल्कुल सही, विंड एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया चौथे रैंक पर है। कमेंट में बताइएगा पहले रैंक पर कौन है। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में होता है और उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम विंड एनर्जी फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। देखिए तमिलनाडु वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश नहीं है। तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर है गुजरात। तो ऑप्शन टू आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट वंस। सही स्टेटमेंट्स बताइए, क्या सही स्टेटमेंट। क्वेश्चन पहला ऑप्शन देता है कि गंगेटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको माना जाता है, बनाया गया है। दूसरा, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। आपको पता होगा कि IUCN है और ये रेड डेटा बुक निकालती है, क्या निकालती है, रेड डेटा बुक निकालती है। इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और एल्गे वगैरह, या जिसको आप कवक और शैवाल वगैरह कहते हैं, उनको लिस्ट किया जाता है। उसमें एक कैटेगरी होती है घोर संकटग्रस्त या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है या जो बिल्कुल विलुप्त प्राय होने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, इनको बहुत खतरा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। ताजे जल में पाई जाने वाली डॉल्फिन को दो प्रजातियां हैं, कौन कौन सी दो स्पीसीज हैं, देखो भाई, एक कहते हैं गंगेज रिवर डॉल्फिन या गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, और दूसरी इंडस रिवर डॉल्फिन या सिंधु डॉल्फिन कहते हैं। बिल्कुल सही, ये पाकिस्तान वगैरह में पाई जाती है। तो एक आपकी इंडिया में मिलेगी, बांग्लादेश में मिलेगी, और दूसरी आपकी कहाँ मिलेगी, पाकिस्तान में मिलेगी, उसको हम कहते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन। तीनों ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल सही हैं, ये नोट्स ही समझ लीजिएगा, नोट्स ही हैं ये। अगला देखिए, IUCN के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला, अक्टूबर 1900, इसमें 47 दिया हुआ और इसमें 48 दिया हुआ है। देखिए 48 सही है, ठीक है, 1948 में इसको कंजर्व ये हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, नहीं जिनीवा स्विट्जरलैंड में नहीं है, इनका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, कहाँ है, ग्लैंड नाम है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। डील्स विथ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल एनर्जी एट्सेट्रा, बिल्कुल सही है भाई, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और धारणीय ऊर्जा से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे, पहला और तीसरा सही हो जाएंगे, इसमें 1948 कर लीजिएगा, ठीक है, वो टाइपो हो गया है, ऑप्शन 1 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, भाई विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा, चिली में, चिली में मिलेगा, ओके, माउंट कोटोपैक्सी। इंडिया में कौन सा एक्टिव वॉल्केनो, उसका नाम है
बैरन आइलैंड, क्या नाम है भाई, बैरन द्वीप, कहाँ मिलेगा ये आपको, ये आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। भाई देखिए ये माउंटेन रेंजेस दी हिल्स दिए हुए हैं, इनको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। देखिए जनरली लोग हिमालय पे ज़्यादा फोकस करते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पे फोकस करते हैं, लेकिन साउथ की हिल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें आपको हम बता दें, देखो अगर कभी साउथ की पहाड़ियों की बात आए तो हमेशा याद रखना कि इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम हिल्स से सबसे नीचे आएंगी, ठीक है, और उसके तुरंत ऊपर है पलनी, पल्ली, तो सबसे नीचे फोर हो जाएगा, उसके बाद टू हो जाएगा। देखो कहाँ दिया हुआ, सबसे नीचे फोर ऑटोमेटिकली इलायची कार्डमम हिल्स आ जाएंगे और उसके ऊपर पल्ली आ जाएंगे, पल्ली वहाँ के एक ऋषि भी थे, तो फोर टू हो गया। इसका मतलब सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे ऊपर जवाड़ी है और जवाड़ी के बाद शेवरॉय है, तो सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जवाड़ी, शेवरॉय, पल्ली और इलायची, 3124 ऑप्शन थ्री विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित है, अब रिवर्स दी हुई है और रिवर्स के सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में बताया गया है। देखो ये क्वेश्चन जानबूझकर ऐसे डिवाइस करता हूँ ताकि आपको मैक्सिमम डेटा मिल पाए एक ही क्वेश्चन में, और हम एक्सप्लेन करते चलेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना, क्वेश्चन का लेवल देख करके समझ में आ रहा होगा कि बढ़िया सवाल है, और एक्सप्लेनेशन जैसा आपको लग रहा हो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। अमरकंटक कहाँ से निकलता है भाई, अमरकंटक एक जगह है मध्य प्रदेश में, ठीक है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का बॉर्डर पड़ेगा अमरकंटक, और अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा निकलती है जो कि पश्चिम की ओर बहेगी, ये जाएगी वेस्ट को, और सोन नदी कहाँ जाके गंगा में मिल जाती है, सोन नदी नॉर्थ की तरफ जाएगी और जाकर के गंगा में मिल जाएगी। ब्रह्मगिरी से कौन सी निकलती है, ये ब्रह्मगिरी और महाबलेश्वर जो हैं ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में हैं, कहाँ पर हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों महाराष्ट्र में हैं, और महाराष्ट्र में आपने सुना होगा उसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट में दोनों पड़ती हैं। ब्रह्मगिरी में एक जगह है उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी में जगह का नाम है भाई त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर से नदी निकलती हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है गोदावरी, ये दोनों उल्टा मैच हो गए हैं, ऐसे हो एक्सचेंज हो जाएंगे, ब्रह्मगिरी से गोदावरी निकलेंगी और महाबलेश्वर से कौन निकलेगा, महाबलेश्वर से निकलेंगी कृष्णा नदी, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बोखरचू ग्लेशियर कहाँ पर है, बोखरचू ग्लेशियर जब ऊपर आप जाएंगे तो मानसरोवर झील के पास में है, और वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, इंडस रिवर या सिंधु नदी निकलती है, ठीक है ऑप्शन ये। फिर मापचा चुंगो ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है, और घाघरा कहाँ पर मिलती है जा करके, घाघरा रिवर बंगाल में जा करके, सॉरी बिहार में जा करके गंगा से मिल जाएगी, तो पांचवा वाला ऑप्शन भी ठीक है, यानी कि पहला चौथा और पांचवा ऑप्शन ठीक है, किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया है, बाकी ऑप्शंस भी मैंने आपको बता दिए कौन कहाँ से निकल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि इनकरेक्टली मैच्ड कौन कौन सी हैं, देखो ये क्या दी, ये लोकल विंड्स दी हुई हैं, क्षेत्रीय पवनें, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है लोकल विंड ज्योग्राफी में, बहुत क्वेश्चन आता है ये, जैसे इंडिया की लोकल विंड कौन सी है, लू, कब चलती है, गर्मी में चलती है, ठीक है, जैसे लू है ऐसे ही लोकल विंड्स होती हैं, कुछ ठंडी होंगी कुछ गर्म होंगी। सबसे पहले देखिए चिनूक दिया हुआ है, चिनूक कहाँ बहती है, चिनूक नाम का एक हेलीकॉप्टर आया इंडिया में है ना, बड़ा न्यूज़ में आया था, बताना भाई चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ से आया है, जहाँ से चिनूक हेलीकॉप्टर है वहीं चिनूक हवा बहती है, बहुत आसान है रिलेट कर लेना, चिनूक कहाँ से आया है, यूएसए से आया हुआ है, तो ये रॉकी स्लोप्स ऑफ चिली नहीं होगा, रॉकी स्लोप्स ऑफ यूएसए होगा, ठीक है, यूएसए की पथरीली ढलान जो है, ढलाने जो हैं वहां पर ये बहती हैं। और फोएन कहाँ पे आती हैं, आल्प्स माउंटेन रेंजेस हैं यूरोप में, उसके जो उत्तरी स्लोप्स हैं है ना, उत्तरी ढलाने, वहां पर कौन सी बहती है, फोएन बहेगी। और सिरोको कहाँ होगी, सिरोको आपकी उत्तरी अफ्रीका में बहेगी, उत्तरी अफ्रीका का जो रेगिस्तान है जिसको आप सहारा डेजर्ट कहते हैं वहां पर सिरोको बहती है। फिर मिस्ट्रल कहाँ बहेगी, मिस्ट्रल बहेगी एल्प्स की दक्षिणी ढलानों पर, एल्प्स की दक्षिणी ढलानों पर, देखो उत्तरी ढलानों पर नॉर्दर्न स्लोप्स में कौन है, फोएन बह रही है, और सदर्न स्लोप्स में कौन बह रही है, मिस्ट्रल बह रही है, तो ऑप्शन कौन कौन से सही हो जाएंगे इसमें, कौन सा सुमेलित नहीं है भाई, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है, यूएसए में होना चाहिए चिनूक को। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदियां, दाहिनी मतलब दाहिने से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत पूछा जाता है, गंगा हो गया, यमुना हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी है, कृष्णा है,
कावेरी हैं, इन पर बहुत इनकी इन पर भी क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन से स्टेट से बहती हैं और इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, बहुत सवाल पूछा जाता है, बहुत आसान भी है। गूगल पर मैप्स अवेलेबल हैं, सारे पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिए, एक ही दिन बैठ करके तैयार कर लीजिए, बाकी ये वीडियो देखते रहिएगा। अगर पाँचों सीरीज जो अभी तक बनाई हैं देखोगे तो सारी की सारी नदियाँ ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी तुमको। देखो गंगा नदी किधर से निकलेगी, ये गंगा निकली गंगोत्री से, बगल से ये यमुनोत्री से, यमुना जी आई कहाँ मिल गई, संगम में यमुना मिल गई। तो देखो एक तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तुम्हारी यमुना है, दूसरी कौन सी, सोन नदी आगे जाकर कहाँ मिलेगी, सोन नदी जाकर के बिहार में मिल जाएगी। ये कहाँ से अभी अभी डिस्कस किया, अमरकंटक से निकलेगी एमपी से, ये सोन नदी बिहार में मिल रही है, ये सोन हो गई, ये कौन सी हो गई, ये यमुना हो गई। अब भाई गोमती कहाँ मिलेगी, गोमती पहले ही मिल जाती है, गोमती पहले कहाँ मिल जाएगी आपको, गोमती थोड़ा सा और नहीं पहले नहीं थोड़ा सा और आगे मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, ये आपको मिलेगी जाके जौनपुर के आगे मिल जाएगी, ठीक है, गाजीपुर में मिल जाएगी गोमती गंगा से। फिर घाघरा, घाघरा भी आपको बताया, घाघरा भी आपको बिहार में आकर के मिलेगी, बिहार में जा करके मिलेगी। तो घाघरा देखो, घाघरा कौन सी ट्रिब्यूटरी हो रही है, घाघरा आपकी लेफ्ट बैंक है, गोमती भी आपकी लेफ्ट बैंक है, गोमती किनारे लखनऊ शहर लोकेटेड है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो दो नदियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं, देखो एक तो यमुना हो जाती है राइट बैंक, और दूसरी सोन नदी हो जाती है। वन एंड थ्री विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। मिलान कीजिए भाई, मिला लीजिए जरा। अब साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं, देखो जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो, आपने सुना होगा, बहुत आसान है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के बारे में सुना होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड का फुल फॉर्म फार्मूला क्या होता है, NaOCl होता है शायद, NaOCl ही तो होता है, बता देना हमको जो भी हो। तो NaOCl अगर है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड किससे बन जाएगा, देखो सोडियम से जुड़ गया। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर में क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर शायद COCl2 होता है, भाई केमिस्ट्री का फार्मूला उतने बढ़िया से याद नहीं, लेकिन जहाँ तक COCl2 ही होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन हो जाएगा। अगर ये गलत हो तो प्लीज़ हमको कमेंट में बता देना कि सही फार्मूला क्या होता है। अच्छा आप देखो सोल्डरिंग किससे होती है, सोल्डरिंग में टिन काम आता है, सोल्डरिंग समझते हो, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसमें तारों को जो सर्किट से जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की जाती है, तो उसमें या तो पीतल का यूज़ करते हैं या टिन का यूज़ किया जाता है। फिर तो जर्मन सिल्वर बनाने में निकल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन जरा देख लो कौन सा सही है भाई, चौथे का सी देखो किस में दिया हुआ है, चौथे का सी दो में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो तीसरे का डी देखो किस में दिया हुआ है, तीसरे का डी किस में दे दिया गया है, जरा तीसरे का है डी, ये रहा, अच्छा ये भी दोनों में दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरे का ए किसमें दिया हुआ है, दूसरे का ए इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स, बाय कैल्शियम, आयरन और सोडियम दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए यानी कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए उपरोक्त में कौन से तत्व आवश्यक हैं, मतलब कौन से तत्व की कमी हो जाएगी तो मांसपेशियां जो हैं संकुचन या उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो ऐंठने लगेंगी। देखिए कौन कौन सा दिया हुआ आपको, कैल्शियम, आयरन और सोडियम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम अगर नहीं होगा तो आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला फूड पिरामिड आप जानते होंगे क्या है, उसमें कौन से प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। देखो एक तो प्रोड्यूसर होते हैं उत्पादक, उसमें भी दो हैं प्राथमिक और द्वितीयक, फिर कंज्यूमर हैं, उसके बाद में डिकम्पोजर हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो सड़ी गली चीज़ों को खा करके ख़त्म कर देते हैं। कौन कौन से हैं, देखो वायरस है, नहीं वायरस नहीं होता है, फंगस है और बैक्टीरिया है, जी हाँ बिल्कुल सही है, फंगस होगा और बैक्टीरिया होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा। फफूंद लग जाएगी तब भी खा जाएगी, देखो ब्रेड पे फफूंद लग जाती है, और बैक्टीरिया वगैरह देखो क्या होता है, अगर कहीं घाव हो जाता है तो उसको बैक्टीरिया खाने लगता है। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ, ठीक है, कोरल क्या होता है, मूंगा होता है, ये एक जीव होते हैं जिनको कोरल पॉलिप्स कहा जाता है, और जब वो मर जाते हैं तो अपनी शेल, शेल मतलब कह लीजिए कि अपनी कवरिंग जो है वो छोड़ जाते हैं, और उसी से पूरा कोरल रीफ्स बन जाती है। और प्रवाल भित्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर इकोसिस्टम वाइज, जो मरीन इकोसिस्टम है, जलीय इकोसिस्टम है, खासकर ये समुद्र वगैरह का, उसके लिए कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ मिलेंगी, अंडमान निकोबार में मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, कच्छ की खाड़ी में मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, मन्नार की खाड़ी में मिलेंगी, जी हाँ वहाँ भी हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड्स में भी हैं,
तो ये ऑप्शन डी चारों हो जाता है। अगर ऑप्शन में हो जाए आपको सुंदरबन, अगर ऑप्शन में सुंदरबन दिया हो तो ये सुंदरबन में नहीं होती है, जबकि ये भी एक किनारा ही है समुद्र का, लेकिन यहां पर नहीं बनती है। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, और उसमें ऑप्शन में सुंदरबन दिया था, लेकिन यहां पर मैंने लक्षद्वीप कर दिया, जो कि लक्षद्वीप में भी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक रख के पूछ सकता है, या हो सकता है चारों ही दे दे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? देखो हार्मोन्स बहुत सारे आपने सुना होगा, अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, जिसको आप पीयूष ग्रंथि कहते हैं, फिर एड्रेनलिन ग्लैंड हो जाता है, और इस तरह के फिर टेस्टिस है, ओवरीज हैं, अलग अलग ग्लैंड्स हैं जिनसे अलग अलग हॉर्मोन्स निकलते हैं। तो इंसुलिन देखो ये कहाँ बनता है, ये ड्यूडिनम ग्रहणी में बनता है, फिर एड्रेनलिन है, ठीक है ये तो ग्लैंड का नाम ही है, और सॉरी एड्रेनलिन को ही कहते हैं हम, क्या कहते हैं इनको, हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन क्या है, ये फीमेल हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन वगैरह तो इसका यूज ही दूसरा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एड्रेनलिन, इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप एड्रेनलिन ले लेते हैं तो बॉडी में एक्साइटमेंट या एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगला देखिए भाई, संविधान में 9वीं सूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जरा देख लो। पहला संशोधन था ये संविधान का 1951, पहली बात तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि इशू क्या हो रहा है, इशू ये हो रहा है कि उस समय भूमि सुधार चल रहा था, और भूमि सुधार में क्या हो रहा था कि यूपी एमपी वगैरह टांग अड़ा रहे थे कि भाई नया नया देश आज़ाद हुआ था, तो वो कह रही ये, चूंकि ये प्रोविंसेस थी पहले, तो ये कह रही थी नहीं हम भूमि सुधार आपके अकॉर्डिंग नहीं करने देंगे। तो उन्होंने इसमें जवाहरलाल नेहरू की उस समय कैबिनेट थी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, ये जो आपका पहला संशोधन है उसमें जो 9th अनुसूची है, इसमें हम ऐसे कह लीजिए कि ऐसे सब्जेक्ट्स डालेंगे या ऐसे टॉपिक्स डालेंगे जिनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स डाल देंगे, जैसे अभी भूमि सुधार वाली बात ही थी, तो ताकि इसमें स्टेट्स इंटरफेयर ना कर सकेंगे, ऐसा कुछ कानून डाल देंगे। तो जो कानून नवी अनुसूची में डाल दिए जाएंगे उस पर, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, जैसे कि अभी ये यूपी एमपी वगैरह चैलेंज कर रहे थे। तो उनसे बचने के लिए ही ये क्या किया गया, नवी अनुसूची या 9th शेड्यूल लेकर के आया गया। लेकिन अब ये बात हो जाएगी कि भाई इस तरह तो मनमानी होने लगेगी, आप जो भी चाहेंगे कि इस पर कोई इंटरफियर ना करे उसको आप डाल के 9th शेड्यूल में डाल देंगे। तो क्या हुआ, एक भाई साहब हैं इंडिया में, उनका नाम बहुत सुना होगा आपने, और बहुत ही ये वाचाल प्रवृत्ति के इंसान है लेकिन बहुत समझदार आदमी भी, इनका नाम क्या है, इनका नाम है केशवानंद भारती जी, प्रवृत्ति से साधु हैं, ठीक है, केशवानंद भारती जी। इन्होंने, इनको नहीं सहन हुआ, इन्होंने कहा देखो ये काम नहीं चलेगा, इस तरह तो आप लोग मनमानी करोगे। तो क्या हुआ, कौन सा ईयर था, ईयर था भैया आपका 1973, और 1973 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, कहा देखो इस तरह तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ा, 9 लोगों की एक पीठ बैठी, एक 9 जजेस की एक बेंच बैठी, और उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि देखिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूलभूत अधिकार जो हैं, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, यानी कि मूलभूत संरचना है, अगर उसमें कोई परिवर्तन लाता है 9th शेड्यूल का कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि 9वीं अनुसूची में अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक डाल दिया है, कोई ऐसा लॉ या नियम डाल दिया है जिसकी वजह से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, या फिर जो हमारी संविधान की मूलभूत संरचना है जैसा कि आपके प्रियम्बल या प्रस्तावना में दिया गया, अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तब क्या होगा, तब आप जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, न्यायिक समीक्षा तब की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट था इसलिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ केशवानंद भारती का जो इसमें रोल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? राइट टू इक्वालिटी कौन कौन से आर्टिकल्स में आता है? देखिए राइट टू इक्वालिटी जो दिया गया है दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, तो इसमें नीचे के जो दिए हैं 14, 15, 16 ये तीनों हो जाएंगे, यानी कि 2, 3 and 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? सबसे पहली बात तो बात कर लेते हैं कि डीपीएसपी है क्या,
डीपीएसपी क्या होते हैं, ये स्टेट्स को बताते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, सिद्धांत कौन से सिद्धांतों पर आपको काम करना चाहिए, ठीक है। फिर कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, आयरलैंड ने शायद इसको स्पेन से लिया था, स्पेनिश, आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था। लेकिन जनरली आपसे सवाल क्या आएगा कि ये कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड ऑप्शन में दिया गया होगा। देखो इसके आर्टिकल कौन कौन से कहते हैं, कौन कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से 51 तक कहते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्तता कितने दिनों में भर जानी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वैकेंट, अब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट कैसे हो सकता है, इस पर भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो पहला क्या भाई, या तो उनकी डेथ हो जाए या उनका टेन्योर खत्म हो जाए, 5 साल के लिए होते हैं हट जाएं, या फिर वो खुद रिजाइन कर दें, क्या हो जाएगा भाई, पहला क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, फिर उनका टेन्योर खत्म हो जाए, फिर वो क्या करें, रिजाइन कर दें, या फिर उन पर इम्पीचमेंट या महाभियोग लगा दिया जाए। ये 4 तरीके हैं हटाने के, देख लो, बहुत बढ़िया, 4 तरीके हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों तरीकों से प्रेसिडेंट हट सकते हैं। अब अगर हटाए जाएंगे तो फिर कितने दिनों में वो जो वैकेंसी उसको कवर करना होगा, फिल करना होगा, बताइए, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कितने दिनों में हो जाएगा, कितना होता है, 6 महीना होता है, 6 मंथ्स। एक बात और आपको बता दें, गौरतलब ये है कि जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उसमें भी मैक्सिमम इंटरवल जो होता है वो 6 मंथ्स का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से सुमेलित नहीं है भाई, पार्लियामेंट्स दी हुई हैं, और कौन से देश की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ये दिया हुआ है। जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं, बिल्कुल सही। शोरा ईरान की पार्लियामेंट को कहते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शोरा कहते हैं अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को, अभी तालिबानी अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, देखा होगा आप लोगों ने, मिली नहीं बेचारों को, अब मिल गया तो बड़े खुश हैं। फिर ये दिया हुआ है डूमा, डूमा कहाँ की है, ये रूस की है, बिल्कुल सही। युआन ताइवान की है, ताइवान कह लो या चाइना कह लो, युआन चाइना की करेंसी भी कही जाती है, ठीक है। तो ये शोरा इज द राइट आंसर, यानी कि शोरा की सुमेलित नहीं है, ये कहाँ की है, अफगानिस्तान की है। फाइनली क्वेश्चन देखो, हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगा हो। विश्व लैंगिक असमानता रिपोर्ट, देखो जितनी भी रिपोर्टें हैं अब तक हमने, ये पांचवा है, इसके पहले भी जो 4 है उसमें भी हमने अलग अलग रिपोर्ट्स को डिस्कस किया है। मैं सिर्फ ये नहीं बताता हूँ कि रैंकिंग क्या है, मैं ये भी बताता हूँ कि पिछले साल रैंक कितनी थी, इस बार रैंक कितनी है, टोटल कंट्रीज कितनी थी, टॉप किसने किया है, और ये रिपोर्ट इशू किसने की है, यानी कि एक सवाल में 5 सवाल होते हैं और उन 5ों में से कोई भी सवाल आ सकता है, तो रटने से काम नहीं चलेगा। कोई भी एग्जामिनेशन दोगे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नोट्स बनाते चलो धीमे धीमे करके अपने आप समझ में आ जाएगा। विश्व लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2021 में भारत का क्या स्थान है, पहली बात तो यह है कि इसमें इनका जो स्थान है वो बढ़ा है कि घटा है, यानी कि इम्प्रूवमेंट है या डिक्लाइन है। तो देखो इस बार इनका डिग्रेड हो गया है, पिछली बार इनकी रैंक थी 112 और इस बार इनकी रैंक आ गई 140। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कैसे, बर्थ रेट भी घटा है, ठीक है, जो सेक्स रेशियो कहते हैं वो भी घट गया होगा, नौकरी वगैरह में भी बड़ी दिक्कत आई है। आपको पता ही है कि 2021 में वैसे भी बहुत ज़्यादा सारे लोग निकल गए हैं और उसमें महिलाओं को नौकरियां वैसे भी बड़ी मुश्किल से मिली हैं, तो काफ़ी गैप आ गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 140वीं रैंक है, कितनी कंट्रीज थी टोटल, टोटल कंट्रीज थी 156। टॉप कौन सी कंट्री ने किया है, टॉप किया है आइसलैंड ने, टॉप किया है आइसलैंड ने। आइसलैंड के बाद कौन सी कंट्री है, आइसलैंड के बाद है सर फिनलैंड, दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर है नॉर्वे। पहले नंबर पे आइसलैंड, दूसरे नंबर पे फिनलैंड, तीसरे नंबर पे कौन है, नॉर्वे है। और इसको इशू कौन करता है भाई, ये रिपोर्ट कौन इशू करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो और ये था आज का मॉक टेस्ट या कह लीजिए प्रैक्टिस टेस्ट। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।